राम भाई सारे ने मेरा नाम वेलकम बैक अगेन ऑन न्यू वीडियो ऑन द चैनल। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो लाइफ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि जो मेरा लाइसेंस है वो आ गया नहीं आया है और अभी तक क्या कर रहा हूँ मैं, आगे क्या प्लान्स हैं। सो फिलहाल तो हम जो मेरा लाइसेंस आने तक की जर्नी है आपको पता है, वो सारी मैंने यूट्यूब पर दिखाता है। अगर नहीं देखा है तो जाके आई बटन पे लिंक्स मिल जाएंगे या फिर पीछे की वीडियो जाके देख सकते हो। सारी फ्लाइंग मैंने कर ली है, कन्वर्जन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने सबमिट करा रखे हैं DGCA में, वो सबमिट कराते 27th December को। तो उस टाइम पीरियड से लेके अभी तक कर क्या रहा हूँ मैं। सो हमने क्या डिसाइड किया, जब मैंने एग्जाम्स दिए थे, मैंने अक्टूबर लास्ट ईयर एग्जाम्स दिए थे DGCA के, तो उस टाइम बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने बात की लक्ष्य से बैठ के, लक्ष्य इज माई पार्टनर बेसिकली, मैंने लक्ष्य से बात की कि लक्ष्य चलो कुछ बनाते हैं यार, इंडियन एविएशन मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं और बच्चों की उससे काफी हेल्प हो जाएगी। जब मैं एग्जाम देके आया उस टाइम पे आप सभी को पता है कि 15 सेकंड जो टाइमर है वो इंप्लीमेंट कर दिया DGCA ने एक चीज कि आपको हर एक क्वेश्चन पे 15 सेकंड का टाइम देना ही देना कंपलसरी, आप 15 सेकंड से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा नहीं सकते हो। सो वो चीज बहुत इरिटेटिंग होती है बच्चों के लिए, बाहर कोई ऐसा कुछ है नहीं कि वो प्रैक्टिस कर पाए। तो मेरे दिमाग में यही है क्यों ना ऐसा कुछ बनाते हैं कि बच्चे पहले से प्रिपेयर होके जाएं DGCA एग्जाम्स के लिए। तो 15 सेकंड टाइमर हमने अपने मॉक टेस्ट में यूज किया हुआ है, जो कि हमने मॉक टेस्ट बनाया है जैसे कि आप एग्जैक्ट सेम सिनेरियो में लाइक DGCA पेपर दे सकते हो। अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे बैठो आराम से, और आपके पास ऑप्शन भी दिया हमने 15 सेकंड टाइमर, आपको ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है आपको जल्दी जल्दी करना पेपर तो उसको ऑफ करना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, ताकि आपको इरिटेशन नहीं चाहिए तो अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हमने। तो हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है pilotexaminations.com, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसमें क्या है कि हमने डेमो भी दिए हैं, अभी के लिए 3 सब्जेक्ट ऐड किए, लेकिन फ्यूचर में हम सारे सब्जेक्ट्स ऐड करने वाले हैं, विद नेक्स्ट मंथ हम सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर देंगे। इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसका सब्सक्रिप्शन है भाई बहुत सस्ता है, इतना सस्ता आपने एविएशन मार्केट में इंडिया में देखा नहीं होगा कहीं, ठीक है। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन आप चाहो तो, क्योंकि अभी ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आ गए हैं सभी को पता है, तो काफी सस्ता पड़ने वाला, आप जाके चेक करो, डेमो देके देखो। और अगर कोई परचेज कर रहा है 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, उसके लिए हमारा लॉन्च ऑफर चल रहा है जो कि आपका बाय वन गेट वन, अगर आप 1 महीने के लिए पे करते हो बेसिकली, जैसे कि हम जो एयर मेट्रोलॉजी और एयर रेगुलेशन है उसके लिए 500 रुपीज है 499 जो कि प्राइस रखा हमने, और जो आपका एयर नेविगेशन है उसके लिए 649 साढ़े रखा है। तो अगर मान लो कि आप एयर मेट्रोलॉजी लेते हो 1 महीने का, जो कि आप 499 पे कर रहे हो, तो उस प्राइस में आपको 2 महीने के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब 1 महीना हम फ्री में दे रहे हैं लॉन्च ऑफर में हमारे। अगर इस ऑफर को आपको अवेल करना है तो बाय वन गेट वन आपका कूपन कोड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको यूज कर सकते हो। आप इसमें अनलिमिटेड रैंडमाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, हर बार जो मॉक टेस्ट दोगे वो अलग मिलेगा बेसिकली, कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपको सेम मॉक टेस्ट मिलेगा। इसमें हम सॉल्यूशन, कुछ के सॉल्यूशन डाले हुए हैं, कुछ के सॉल्यूशन और फ्यूचर में साथ साथ में अपडेट करते रहेंगे, और जो भी टाइम टू टाइम जैसे एग्जाम होंगे DGCA के, हम टाइम टू टाइम अपने क्वेश्चन बैंक्स को भी अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और आपका क्या रिव्यू है वो सब रिव्यू फीडबैक्स वो हमें बताना, ताकि हम और भी इंप्रूवमेंट करके इस वेबसाइट को और भी अच्छा बना सके और आप सभी के लिए बेस्ट चीज प्रोवाइड करा सके आप सभी को। अगर आप जाके देखोगे आई एम श्योर कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, जाके देखो वेबसाइट को एक बार चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं वो 10,000+ क्वेश्चन हैं, आपके सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट लेके 8,000+ क्वेश्चन है। अगर मैं आपकी जगह होता बेसिकली तो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए थी, वो सारी चीजें हम इसमें डालने वाले। अभी के हिसाब से हमने ये डाला DGCA का जो कॉन्सेप्ट है, अनलिमिटेड रैंडमाइज मॉक टेस्ट है, ये सारी चीजें डाली हैं। नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में जो है हम 2-3 फीचर्स और लेके आने वाले हैं, जो कि आपको इंडिया में कहीं पे मिलेगा नहीं अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो इसमें क्या आप ई टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। जो ई टेस्ट होगा बेसिकली वो आपका होने वाला है, स्क्रीन पे देख रहे हो आप, जो ई टेस्ट होगा वो टॉपिक वाइज अगर पेपर दे रहे हो, मान लो कि कोई भी टॉपिक हमने VR है, VR के जैसे एग्जांपल के 36 क्वेश्चन है, तो VR में जाओगे तो उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसको हमने ई टेस्ट का नाम दिया, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, आप पेपर देख क्लास में सबमिट कर सकते हो, आपके आंसर देख जाएंगे कौन कौन से आंसर ठीक है या गलत है। हमने प्रैक्टिस टेस्ट नाम दिया, जो कि एयर नेविगेशन के अंदर जो 4 सब सब्जेक्ट है, जो कि आपका हो गया जनरल नेविगेशन, आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट, रेडियो नेविगेशन, फ्लाइट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, जो 4 सब्जेक्ट हो गए एयर नेविगेशन में, उनका जो अगर मान लो जनरल नेविगेशन का टेस्ट दे रहे हो पूरे का कंप्लीट का, तो उस कंप्लीट के टेस्ट को हमने नाम दिया है प्रैक्टिस टेस्ट। और अगर आप पूरा एयर नेविगेशन का दे रहे हो जिसमें 4 सब्जेक्ट एक साथ में आएंगे, उसका नाम दिया हमने मॉक टेस्ट। तो सेम मेट्रोलॉजी के सारे टॉपिक्स का जो आप दोगे एक साथ में टेस्ट, उसका मॉक टेस्ट, ऐसे ही आपका हो गया एयर रेगुलेशन में। सो इन मॉक टेस्ट को आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम लिमिट आपका जैसे DGCA में सेम टाइम लिमिट है, और टाइमर का जो ऑप्शन है 50 सेकंड टाइमर का वो हमने ऑन ऑफ रखा है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट में क्या है कि जो वो आपको तभी अवेल होंगे जब आप उसको सब्सक्रिप्शन ले लोगे बेसिकली। आपको ओनली डेमो टेस्ट जो फर्स्ट टॉपिक होगा किसी भी सब्जेक्ट का, वो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ओनली वो ही सब्जेक्ट आपको एज ए डेमो मिलेगा टॉपिक का टेस्ट, ठीक है। तो जाके अगर चाहो तो डेमो देख सकते हो, और कूपन कोड आपको बता ही दिया है, और स्क्रीन पे आपको साथ साथ में देख रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अभी बात करते हैं मेरे, मैं इस वीडियो में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो भी ट्राई कर रहा है सब्सक्रिप्शन लेने का, तो हमने क्या किया है कि कूपन कोड आपको अप्लाई करना है ओनली, जैसे बाय वन गेट वन है, एंड देन प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। जब आप पेमेंट कंफर्म कर दोगे आप अपने ऑर्डर सेक्शन में जाके देख सकते हो, जैसे हमने बोला है कि 1 मंथ के साथ आपको नेक्स्ट मंथ फ्री मिल रहा है, तो आपको ऑर्डर सेक्शन में वो नेक्स्ट मंथ फ्री वाला जो है वो दिख जाएगा। जैसे आपने 1 मंथ का लिया तो आपको वहां पे 2 मंथ दिखेंगे,
एंड सेकेंड थिंग कि अभी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, कूपन कोड अप्लाई हो गया नहीं हो गया है उस पर हम काम कर रहे हैं। सो आपको जस्ट डायरेक्टली कूपन कोड डालना है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। मान लो आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया अल्फा ब्रावो चार्ली में से किसी, जैसे अल्फा पे आपने क्लिक किया, ठीक है, वो ब्लैक या फिर ब्लू जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको राइट साइड में रीसेट और कंफर्म का बटन दिखाई देगा, उस तो आपको सिलेक्ट करके जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो आंसर, देन कंफर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद ही आपका आंसर सेव होगा। और अगर आपको आंसर चेंज करना है तो आप उस क्वेश्चन पे आओगे, आपको रीसेट का बटन दबाना पड़ेगा, देन दोबारा से कोई आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन कंफर्म दबाना पड़ेगा, तभी वो आंसर सेव माना जाता है। डीजीसी में भी ऐसा ही होता है, इस वजह से आपको हमने यही चीज प्रोवाइड कराया था कि अभी से आप प्रिपेयर होकर जाए, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं वो उनको लास्ट में सबमिट कर दे रहे हैं, उस पर बस सेलेक्ट करके आंसर कुछ भी, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं। सो ये गलती मत करो, कंफर्म करो। डीजीसी में भी सेम पैटर्न है, आपको डीजीसी एग्जाम दोगे जब रियल में जाके आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना ही पड़ेगा। सो इस चीज का ध्यान रखना, एंड देन लास्ट में कंफर्म करते करते जाओगे, जो आपका आंसर सेव हो गया है वो ग्रीन मार्क से हमने डिनोट किया हुआ है कि वो आंसर सेव हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन पेज जरूरी होता है, तो इंस्ट्रक्शन पेज जरूर पढ़ो भाई, कि इंस्ट्रक्शन में सब कुछ दिया हुआ अच्छे से, तभी आपको पूरा समझ आ जाएगा। देन सबमिट पे क्लिक करो, आंसर आपके सारे दिखा देगा, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। लाइसेंस के बारे में कि लाइसेंस का मेरा अभी तक आया है नहीं आया है, तो अभी तक मैं बता दूं कि मैंने जो मेरा लाइसेंस है 27th of December को अप्लाई किया था, और उसके बाद एक महीने में मेरी कहीं पे ऑलमोस्ट एक महीना हो गया था, मेरी फाइल ओपन हुई, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास गई, एक दो शॉर्टफॉल आए थे, जो भी शॉर्टफॉल आए थे मैंने वो क्लियर किए, और उसके बाद ऑलमोस्ट एक महीने से ऊपर हो गया है अभी मेरे को, जो कि मेरी फाइल डायरेक्टर के अंडर है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स है नहीं, मतलब कि मैंने बात भी थी कॉल करके, वो बोल रहे कि हाँ लगेगा टाइम थोड़ा, तो वही है कि देखते हैं नेक्स्ट 1 or 2 months बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 1 or 2 weeks में होपफुली लाइसेंस आ जाना चाहिए। जैसे लाइसेंस आता है आप सभी को अपडेट कर ही दूंगा। जो टाइम पीरियड था मैंने बात वही है कि उसको वेस्ट नहीं किया, आप सभी के लिए कुछ अच्छा लेके आने में उसको टाइम को लगाया, एंड फाइनली ये चीज है। अपने रिव्यूज और गूगल पे जल्दी हम इसको एज बिजनेस डाल रहे हैं, तो उस पर जाके अपने रिव्यूज दे सकते हो। जैसे डल जाएगा मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हो तो आपको आईडी दिख रही है स्क्रीन पे, जाके फॉलो कर सकते हो, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हो, जो कुछ नए अपडेट्स होते हैं मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे बताते रहता हूँ, तो जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और साथ में व्हाट्सएप पे कुछ क्वेरी व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे टेलीग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हो, सबका रिप्लाई करता हूँ, ये आप सभी को पता ही है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, और बेसिकली आज मैं बताने आया था कि चल कुछ क्या कुछ रहा था लाइफ के अपडेट्स थे, आगे से कोशिश करूंगा 99.9% की वीडियोस मोर रेगुलर हो जाएं, कोशिश करूंगा वीक में 2 या 3 वीडियो तो लेके आऊं, तो उस चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे बेल आइकन दे रखा होगा, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपको पता लग जाए। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद।